Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you some sentences जो बने हैं should और should have से. Should means होता है चाहिए और should have means होता है चाहिए था. इसका speaking और writing दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा use होता है. इनसे किस तरह से आपको sentences बनाना है, आपको कौन सी verb की form use करनी है, sentence का structure कैसा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें मैं आपको तीनों sentences जो हैं वो clear कर रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. तो चलिए हम शुरू करते हैं. यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो इस चैप्टर को आप 74 to 76 पर देख सकते हैं. सबसे पहले शुड मीन्स होता है चाहिए. शुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करते हैं, इसे जरूर आप याद रखें. वर्ब और उनकी फॉर्म्स का मालूम होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप इंग्लिश के काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो सभी नहीं समझ पाएंगे. तो वर्ब्स की फॉर्म्स को ज़रूर याद रखिए. शुड के साथ आपको यूज़ करना होता है फर्स्ट फॉर्म, और शुड हैव के साथ में यूज़ करना होता है आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यदि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मालूम है तो फिर आपको परेशानी होगी इस चैप्टर को समझने में. तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंटेंसेस. पहला सेंटेंस है यहाँ पर, आई शुड कम इन पार्टी. शुड मीन्स हो गया है चाहिए, और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करना है. तो आई शुड कम इन पार्टी का मीनिंग होगा मुझे पार्टी में आना चाहिए. सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लेते हैं हम, फिर वर्ब लेते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आता है. जो भी बचा हुआ हिस्सा है उसे आपको पीछे की तरफ रखना होता है. आई शुड कम इन पार्टी मीन्स मुझे पार्टी में आना चाहिए. यदि आपको चाहिए था बोलना है तो फिर आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा शुड हैव. बहुत ही सिंपल है, चाहिए के लिए सिर्फ शुड आएगा यहाँ पर, और जब चाहिए था कि आप बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको शुड हैव का यूज़ करना है. आई शुड हैव कम इन पार्टी. यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है. कम का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम कम. मुझे पार्टी में आना चाहिए था. आई शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए. आई शुड हैव हेल्प्ड यू, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए था. यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए. आप किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ में आप बना सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस, कुछ भी चेंज नहीं होगा. यू शुड वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए. यू शुड हैव वर्कड, तुम्हें काम करना चाहिए था. इस तरफ आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है. यू शुड विन, तुम्हें जीतना चाहिए. यू शुड हैव वन, तुम्हें जीतना चाहिए था. वी शुड पास, हमें पास होना चाहिए. वी शुड हैव पास्ड, हमें पास होना चाहिए था. वी शुड डू, हमें करना चाहिए. आप इसके आगे कुछ भी जोड़ सकते हैं, वी शुड डू योगा, वी शुड डू एक्सरसाइज. वी शुड हैव डन, हमें करना चाहिए था. यहाँ पर आप देख सकते हैं डू, डिड, डन, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम इस तरफ में. दे शुड फाइट, एक से ज्यादा लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं. उन्हें लड़ना चाहिए. दे शुड हैव फॉट, उन्हें लड़ना चाहिए था. फाइट का थर्ड फॉर्म होता है फॉट. दे शुड हेल्प अस, उन्हें हमारी मदद करना चाहिए. अस मीन्स होता है हमारी. दे शुड हेल्प अस, उन्हें हमारी मदद करना चाहिए. दे शुड हैव हेल्प्ड अस, उन्हें हमारी मदद करना चाहिए था. सिर्फ इतना आपको याद रखना है, चाहिए के लिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहिए था के लिए शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है. सभी सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे जितने भी सेंटेंसेस बना सकते हैं. आपको कुछ भी यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो बातों को याद रखना है, चाहिए के लिए शुड और चाहिए था के लिए शुड हैव. साथ ही आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का मालूम होना बहुत ज़रूरी है. मैंने वर्ब और उनकी फॉर्म्स के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें. वर्ब और उनकी फॉर्म्स का मालूम होना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश के ज़्यादातर जो चैप्टर्स होते हैं उसमें वर्ब और उनकी फॉर्म्स और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ज़्यादा होता है. नेक्स्ट, ही शुड रन फास्ट, उसे तेज़ दौड़ना चाहिए. ही लड़के के लिए हम यूज़ करते हैं.
ही शुड हैव रन फास्ट, उसे तेज दौड़ना चाहिए था. रन रैन रन, थर्ड फॉर्म रन का रन ही होता है. ही शुड गिव एग्जाम, उसे एग्जाम देना चाहिए. ही शुड हैव गिवन एग्जाम, उसे एग्जाम देना चाहिए था. गिव का थर्ड फॉर्म हो गया है यहां पर गिवन, गिव गेव गिवन. शी शुड कम अर्ली, उसे जल्दी आना चाहिए. शी शुड हैव कम अर्ली, उसे जल्दी आना चाहिए था. रवि शुड सिंग सॉन्ग, रवि को गाना गाना चाहिए. रवि शुड हैव संग सॉन्ग, रवि को गाना गाना चाहिए था. इस तरह से आप देख सकते हैं शुड मीन्स होता है चाहिए और शुड हैव मीन्स होता है चाहिए था. यदि आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है. नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पर शुड, उसके बाद जो है आपको नॉट का यूज़ करना है. आई शुड कम इन पार्टी, मुझे पार्टी में आना चाहिए. अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ यहाँ पर नॉट का यूज़ आप कीजिए. आई शुड नॉट कम इन पार्टी, मुझे पार्टी में नहीं आना चाहिए. आई शुड नॉट हेल्प यू, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करना चाहिए. यू शुड नॉट वर्क, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए. तुम्हें जीतना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट पास, हमें पास नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट डू, हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड दे शुड नॉट फाइट, उन्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए. बहुत ही आसान है. अफर्मेटिव में शुड है, नेगेटिव बनाना है तो शुड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है. ऑटोमेटिकली जो है सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा. शुड हैव में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दोनों के बीच में आपको यूज़ करना है नॉट का. आई शुड नॉट हैव कम इन पार्टी, मुझे पार्टी में नहीं आना चाहिए था. दे शुड नॉट हैव फॉट, उन्हें लड़ाई नहीं करना चाहिए था. शुड और हैव दोनों के बीच में आपको यहाँ पर नॉट का यूज़ करना है. वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आपको इसमें भी यूज़ करना है. नेगेटिव में कोई भी चेंजेस नहीं होगा. नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ शुड के बाद नॉट का यूज़ करना है. यहाँ पर भी शुड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है. बहुत ही आसान है, आप इजीली यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं. आई शुड नॉट स्मोक, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए. यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए. यू शुड नॉट वेस्ट वाटर, तुम्हें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए. चाहिए के लिए शुड, मना पास्ट टेंस में बोलना है तो फिर हो जाएगा शुड हैव, मना करना है तो फिर शुड नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा शुड नॉट हैव. अभी मैं आपको तीनों सेंटेंसेस बता रहा हूँ, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. क्वेश्चन आंसर के रूप में मैंने इसे दिया है. शुड यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए. जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो उठकर हमारा आगे आ जाता है. शुड यू प्ले का मतलब हुआ क्या तुम्हें खेलना चाहिए. यहाँ पर भी शुड आगे आ जाएगा. शुड यू हैव प्लेड, आपको ध्यान रखना है हैव को आगे नहीं लेना है, सिर्फ शुड को आगे लेना है. प्रेजेंट में शुड क्वेश्चन बनाएगा. यहाँ पर इसका अगर पास्ट टेंस है तो फिर शुड हैव का आपको यूज़ करना है. सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको अभी पिछले स्लाइड में पढ़ाया है. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज़ करना है. हैव के साथ हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ होता है, इस बात को आप ज़रूर याद रखें. शुड यू प्ले, इसका आंसर हो जाएगा यस आई शुड प्ले. बहुत आसान है. क्वेश्चन में आपको शुड सुनाई दे रहा है, आपको आंसर में भी शुड लगाना है. क्या तुम्हें खेलना चाहिए, हाँ मुझे खेलना चाहिए. शुड यू हैव प्लेड, क्या तुम्हें खेलना चाहिए था. शुड हैव का जवाब शुड हैव में ही आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर. बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चन किस में बन रहा है. अगर शुड में क्वेश्चन बन रहा है तो शुड में आंसर दीजिए, शुड हैव में बन रहा है तो शुड हैव में आंसर दीजिए. शुड यू हैव प्लेड, क्या तुम्हें खेलना चाहिए था. यस आई शुड हैव प्लेड, हाँ मुझे खेलना चाहिए था. आपको मना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा नो आई शुड नॉट प्ले. जैसा कि मैंने आपको बताया शुड के बाद आप नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए. नो आई शुड नॉट हैव प्लेड, नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए था. यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन भी है, हाँ का जवाब भी है, ना का जवाब भी है. कॉन्वर्सेशन में तीन चीज़ें ही ज़रूरी होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव. और यहाँ मैंने तीनों ही तरह के सेंटेंसेस आपको बताए हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी बातचीत करने में भी. कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम.
शुड वी विन, अगर हम की बात करना है तो वी यूज करना है, दे की बात करना है वे हो जाएगा यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया है कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ में सेम रूल्स फॉलो कर सकते हैं, मैंने सभी के साथ कोशिश किया है यहाँ पर कुछ एग्जांपल देने के। शुड वी विन, क्या हमें जीतना चाहिए? आंसर हो जाएगा यस वी शुड विन। वी का जवाब वी में ही देना है, दे का जवाब दे में ही आएगा। शुड दे विन, क्या उन्हें जीतना चाहिए? यस दे शुड विन, हाँ उन्हें जीतना चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा शुड वी हैव वन, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है हमें। यस वी शुड हैव वन, हाँ हमें जीतना चाहिए था, हाँ उन्हें जीतना चाहिए था। बहुत आसान है, वी का जवाब वी में दीजिए, दे का जवाब में दे आएगा। मना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा शुड नॉट, यहाँ पर हो जाएगा शुड नॉट हैव, दोनों के बीच में आपको नॉट का यूज़ करना है। वर्ब का आप देख सकते हैं तीनों ही जगह जो है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। ही और शी, लड़के के लिए हम ही यूज़ करते हैं, लड़की के लिए शी यूज़ करेंगे। शुड ही गो, क्या उसे जाना चाहिए? लड़की है तो हो जाएगा शी। अगर आप यही क्वेश्चन पास्ट में बना रहे हैं तो फिर यहाँ पर हो जाएगा शुड ही हैव गॉन, क्या उसे जाना चाहिए था? लड़की है तो शी का यूज़ करना है। यस ही शुड गो, लड़की है तो हो जाएगा यस शी शुड गो। शुड के जवाब में शुड यूज़ करना है, ही के जवाब में ही आएगा, शी में शी आएगा। यहाँ पर भी सेम वही करना है आपको, शुड हैव के जवाब में शुड हैव का ही यूज़ करना है, बहुत आसान है। यस ही शुड हैव गॉन, यस शी शुड हैव गॉन, ही के जवाब में ही, शी के जवाब में शी, बहुत आसान है। नेगेटिव में सेम रूल है, शुड का हो जाएगा यहाँ पर शुड नॉट, नो ही शुड नॉट गो, नहीं उसे नहीं जाना चाहिए। नो ही शुड नॉट हैव गॉन, नहीं उसे नहीं जाना चाहिए था। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों को ही मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होंगे, दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है। चाहिए के लिए सिर्फ इतना याद रखिए शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, और जब भी आपको चाहिए था का आवाज़ आ रहा है तो वहाँ शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको मालूम होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने में परेशानी होगी। नेगेटिव के लिए मैंने आपको बताया है दोनों ही जगह शुड के बाद आपको नॉट का यूज़ करना है। सभी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर और प्लूरल। इन सेंटेंसेस के आधार पर आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना के ज़रूर प्रैक्टिस करें। और यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, तो उसमें किस तरह से चैप्टर को दिया है मैं आपको बताता हूँ। आप 74 पेज नंबर पर देख सकते हैं, मैंने इस तरह से कुछ चैप्टर को दिया है। चैप्टर नंबर 23 है, पेज नंबर 74। यहाँ पर मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन किया है इसे, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी समझने में। फिर मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेंटेंस दिए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही मैंने प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आई वी यू दे ही शी, आप सभी को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उस प्रैक्टिस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंसेस बना के दिए हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। आई शुड प्ले मीन्स मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले डेली, मुझे रोज़ खेलना चाहिए, मुझे दौड़ना चाहिए, मुझे जल्दी उठना चाहिए, मुझे जल्दी सोना चाहिए, मुझे समय पर काम पूरा करना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, आई शुड वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करना चाहिए, मुझे रोज़ नहाना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी एग्जांपल दिए हैं। यदि आप इतने एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आपको बोलते समय बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। जितने ज़्यादा आप सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आपको स्पीकिंग आएगा। नेगेटिव सेंटेंस मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हैं। शुड नॉट, आई शुड नॉट स्मोक, मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए, दोस्तों के साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ लड़ाई नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट क्वारल, मुझे झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए। यदि आपको वर्ड मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो मैंने पेज नंबर 1 से लेकर आपको सभी जो है 11 तक वर्ब और उनकी फॉर्म्स मिल जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने हिंदी भी दिया है तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगा। साथ ही मैंने पाँचों फॉर्म्स को यहाँ एक्सप्लेन किया है, जो चौथा फॉर्म होता है उसमें ing होता है, पाँचवें में s होता है। साथ ही मैंने हिंदी दिया है तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। साथ ही मैंने सबको अलग अलग अरेंज किया है, इररेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स,
आप देख सकते हैं सभी में ईडी का यूज़ हो रहा है, इन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो नेगेटिव के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरोगेटिव भी आपको मिल जाएंगे। शुड यू प्ले, क्या तुम्हें खेलना चाहिए, क्या तुम्हें रोज़ खेलना चाहिए, क्या तुम्हें दौड़ना चाहिए, देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने काफ़ी एग्जाम्पल्स दिए हैं। साथ ही फिर मैंने शुड बी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, हिंदी में आपको चैप्टर मिल जाएंगे। शुड बी और शुड हैव प्लस नाउन और एडजेक्टिव, यहाँ पर मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया है। शुड बी प्लस आईएनजी का क्या यूज़ होता है, लेस्ट और शुड का मीनिंग क्या होता है, और इससे बने हुए कुछ सेंटेंस है। मैंने कोशिश किया है यहाँ पर शुड के सभी चैप्टर्स को कवर करने के लिए। 24 पर आप देख सकते हैं शुड हैव, इसमें आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है। दोनों का अलग अलग मैंने एक्सप्लेन किया है, शुड अलग है और शुड हैव अलग है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव आपको तीनों तरह के सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो 74 से 76 तक मैंने एक्सप्लेन किया है। यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से ये बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, या आप इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं आप इसे। इसमें 248 पेजेस हैं, A4 साइज़ की ये बुक है। इसमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया है सभी चैप्टर्स को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया है, कॉन्वर्सेशन भी दिया है मैंने, टॉपिक्स भी हैं इसमें, वर्ड मीनिंग्स भी आपको सभी मिल जाएंगे। साथ ही मैंने ग्रामर के सभी चैप्टर्स को कवर किया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको इसमें मिलेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वाइज, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन आपको सभी चैप्टर्स इस बुक में मिल जाएंगे। साथ ही यदि आपकी समस्या इंग्लिश बोलने में है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, 20 मिनट्स डेली कॉन्वर्सेशन, इसकी डिटेल्स आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। आप ये कोर्स ज्वाइन करके घर बैठे जो है अपना इंग्लिश बोलने का सपना पूरा कर सकते हैं। 20 मिनट सिर्फ आपको रोज़ देना है और आप फ़ोन पर ही इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप समझकर आसानी से बोलना सीख जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए वीडियोज़ को पहले पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। पढ़े पढ़ाएँ देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।